नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल बी एस सेट की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीके जीएस के प्रीवियस ईयर में आए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं कि परीक्षा के लिए कितना तैयार है आप। तो दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न यह रहा आप सभी के सामने, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शन में से इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर वन, छम जो है हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है जो बौद्ध भिक्षुओं यानी लामाओं द्वारा धार्मिक और अन्य त्योहारों के दौरान मठों के आंगन में किया जाता है। और दोस्तों यह जो है बुरी आत्माओं और राक्षसों को भगाने के लिए किया जाता है। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों मुसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में से इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें मुसी तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और दोस्तों भीमा की उत्पत्ति पुणे जिले के पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे पर भीमा शंकर मंदिर के पास से होती है और कर्नाटक तथा तेलंगाना के सीमा के पास कृष्णा नदी में यह विलीन हो जाती है। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें मुसी की, तो मुसी नदी या तेलंगाना से बहने वाली दक्कन के पठार में कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर टू कृष्णा नदी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों सारे ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मलिमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपराधिक कानून में विश्वास बहाल करने के लिए आपराधिक कानून के मूल सिद्धांतों की जांच के लिए गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2000 में मलिमथ समिति की स्थापना की थी। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर थ्री आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें 1024 में भीम के शासनकाल के दौरान गजनी के प्रमुख तुर्क शासक मोहम्मद गजनी ने गुजरात में छापा मारा, सोमनाथ मंदिर को लूटा और उसके ज्योतिर्लिंग को तोड़ दिया था। तो यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर टू महमूद गजनी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने वस्तु एवं सेवा कर माने जीएसटी जो है सबसे पहले लागू किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को पहली बार फ्रांस में वर्ष 1954 में लागू किया था। तो यहां से इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर वन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का ओडिशा की बादाम पहाड़ खानों में खनन किया जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आप जानते हैं कि ओडिशा की बादाम पहाड़ खदान में किसका खनन किया जाता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ओडिशा के मयूरभंज में स्थित बादाम पहाड़ की खदानें सोने और लोहे के एस्क के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों बादाम पहाड़ में लोहे के उच्च श्रेणी के हेमेटाइट के एस्क पाए जाते हैं। तो यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर फोर हेमेटाइट हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहां पाई जाती है, कौन से वनों में पाई जाती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, सुंदरी वृक्ष जो है सुंदर वन में सर्वाधिक विस्तृत रूप में पाई जाने वाली मैंग्रोव यानी गरान प्रजाति का एक वृक्ष है। तो यहां से जिन्होंने भी बताया मैंग्रोव वन ऑप्शन नंबर फोर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी माने टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में से हमारा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है जमशेद जी टाटा ने की थी और कब की थी? 26 अगस्त 1907 को इसकी स्थापना की गई थी। तो यहां से दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। दोस्तों अगर हम बात करें तो टिस्को का नाम जो है टाटा स्टील रख दिया गया था कब? 2005 में इसका नाम बदल के टिस्को के स्थान पर रख दिया गया था टाटा स्टील लिमिटेड, जिसे हम TSL के नाम से जानते हैं। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर थ्री 1907 इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। पुदुचेरी की पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी?
बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें जुलाई 2018 में आईपीएस अधिकारी सुंदर नंदा ने पुदुचेरी के पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला, जो कि किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में नियुक्ति पाने वाली पहली महिला अधिकारी थी। तो यहां से इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर फोर सुंदरी नंदा हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, वेरी गुड जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर फोर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा तत्व उपधातु है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं उपधातु की श्रेणी के अंतर्गत दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा एक तत्व आता है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर थ्री माने सिलिकॉन। तो दोस्तों सिलिकॉन ना तो धातु है और ना ही अधातु, यह एक उपधातु है, एक तत्व जो दोनों के बीच कहीं पड़ता है, मतलब धातु और अधातु के बीच में पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं उपधातु। तो वेरी गुड जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर थ्री सिलिकॉन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से विचार करके बताएं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ब्यूटेन ऑप्शन नंबर टू जिन्होंने भी बताया ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल जो है वो प्रोपेन जो है वो ब्यूटेन का एक समावयव हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के तीन सबसे सस्ते शहरों में से एक नहीं है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर बात करें तो 19 मार्च 2019 को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी अपने द्विवार्षिक सर्वेक्षण के रैंकिंग में बेंगलुरु जो भारत की प्रौद्योगिकी राजधानी है, चेन्नई का दक्षिणी शहर और देश की राजधानी नई दिल्ली को दुनिया के 10 सबसे सस्ते शहरों में स्थान दिया गया था। और इन तीन शहरों के अतिरिक्त दोस्तों काराकास, ब्यूनस आयर्स, लागोस और कराची भी इस रैंक में शामिल हुए थे, जो वैश्विक स्तर पर अन्य शहरों की तुलना में अत्यधिक सस्ते हैं। तो वेरी गुड जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर वन मुंबई जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि बेंगलुरु, चेन्नई और नई दिल्ली जो है इस सूची में शामिल थे। वेरी गुड जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर वन मुंबई बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया था। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो जस्टिस बीर स्वामी रामास्वामी पहले न्यायाधीश थे जिनके खिलाफ वर्ष 1991 में यह प्रस्ताव पारित किया गया था। तो वेरी गुड जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 2019 में मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ दिलाई गई थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो गोवा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और उत्तरी गोवा के संक्षेपित से भाजपा विधायक प्रमोद सावंत ने मार्च 2019 में गोवा के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। तो वेरी गुड जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर फोर प्रमोद सावंत इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जे जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बिल्कुल ठीक, जे जे थॉमसन जो है एक अंग्रेज भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें गैसों में विद्युत चालन के कार्य के लिए भौतिकी में 1906 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो वेरी गुड जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। कब दिया गया था दोस्तों? 1906 में इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें इलेक्ट्रॉन की खोज और पहचान का श्रेय भी दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 1564 में मुगल सेनाओं से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं? बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो रानी दुर्गावती मदावी 1550 से 1564 तक गोंडवाना की एक रानी थी जिन्होंने 24 जून 1564 को मुगलों के खिलाफ लड़ाई में पराजय की संभावना दिखने के कारण स्वयं अपनी जान ले ली थी। तो यहां से रानी दुर्गावती ऑप्शन नंबर थ्री जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, किसी गैस को उसकी ठोस अवस्था से शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। तो दोस्तों किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ कहा जाता है? बिल्कुल ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड, सभी का उत्तर बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर टू इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA ने किसको 2018 में हटाए जाने के बाद हांगझोउ चीन में आयोजित होने वाली एशियाई खेल 2022 में फिर से शुरू करने का फैसला किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो 2 मार्च 2019 में ओलंपिक परिषद ने हांगझोउ
चीन में आयोजित होने वाली 2022 एशियाई खेलों में क्रिकेट को फिर से शुरू करने का फैसला किया है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर टू इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, श्रृंखलन का गुण किस में प्रबल होता है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान में श्रृंखलन एक ही तत्व के परमाणुओं का बंध है जिसे एक श्रृंखला कहा जाता है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर फोर जिन्होंने भी बताया है कार्बन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? बिल्कुल ठीक, थोड़ा की बात करें दोस्तों तो थोड़ा जो है हिमाचल प्रदेश का एक प्रभावशाली मार्शल आर्ट सह नृत्य है, और दोस्तों यह तीरंदाजी के खेल के समान है जिसमें लक्ष्य जो है नृत्य करता हुआ मानव होता है और पाशा और साधा नामक दो टीमों के बीच यह खेला जाता है जो खुद को पांडवों और कौरवों के वंशज के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया हिमाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर फोर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वीं जीबी मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता था? बिल्कुल ठीक, 1 मार्च 2019 में फिनलैंड के हेलसिंकी में आयोजित 38वें जीबी बॉक्सिंग टूर्नामेंट में भारत के एकमात्र स्वर्ण पदक कविंदर सिंह विष्ट ने जीता था। तो यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 19 मार्च से 4 अप्रैल 2019 तक आयोजित हुई भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती माने इंडो कार्पेट के कौन से संस्करण का उद्घाटन पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, यह 33वां संस्करण था। तो जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर वन मार्क जुकरबर्ग इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? बिल्कुल ठीक, इंडियन नेशनल एसोसिएशन जिसे इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला राष्ट्रवादी संगठन था। तो यहां से जिन्होंने भी बताया आनंद मोहन बोस ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो जब समताप मंडल में क्लोरीन परमाणु ओजोन के संपर्क में आते हैं तो वो जो ओजोन अणुओं को नष्ट कर देते हैं। तो यहां से ऑप्शन नंबर थ्री क्लोरीन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है आंद्रे मैरी एम्पियर ऑप्शन नंबर फोर जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर फोर बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं, पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसका साम्राज्य भारत के सुदूर दक्षिण सहित लगभग संपूर्ण भारत में फैला हुआ था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर वन अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक था जिसने अपने साम्राज्य को लगभग पूरे दक्षिण भारत तक विस्तारित किया था और उसने कई लड़ाइयां लड़ी जैसे गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा और दक्कन पर विजय भी प्राप्त की थी। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर वन अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? बिल्कुल ठीक, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कर्नाटक के चामराजनगर जिले में स्थित है। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर वन कर्नाटक हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, लोकप्रिय बाघ गुफा चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो बाघ की गुफाएं पत्थरों को काटकर बनाई गई 9 गुहा स्मारकों का एक समूह है जो मध्य प्रदेश में धार जिले के बाघ शहर में विंध्य के दक्षिणी ढलानों के बीच स्थित है। तो जिन्होंने भी बताया दोस्तों ऑप्शन नंबर वन मध्य प्रदेश हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बिजली से धातु चढ़ाना मतलब गैल्वनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जम जाता है?
बिल्कुल ठीक। गैल्वनीकरण एक सुरक्षात्मक जस्ता कोटिंग को स्टील या लोहे पर चढ़ाने की प्रोसेस है जिससे जंग को रोका जा सकता है। और दोस्तों यहां से आपका ऑप्शन नंबर टू जस्ता जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, चिन्हों ने भी बताया ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी कौन सी थी? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर टू ऐहोल, जिसे हम मंदिरों का शहर भी कहते हैं, चालुक्यों की पहली राजधानी थी और यह व्यापार का केंद्र था जिसे बाद में धार्मिक केंद्रों के रूप में विकसित किया गया था। वेरी गुड, चिन्हों ने भी बताया ऐहोल बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। फरवरी 2019 में ईरान के चबाहार के मकरान कप मुक्केबाजी में भारत ने कितने स्वर्ण पदकों और 5 रजत पदक जीते थे? बिल्कुल ठीक, मकरान कप में भारत ने 1 स्वर्ण और 5 रजत पदक जीते थे। तो वेरी गुड, चिन्हों ने भी बताया ऑप्शन नंबर फोर 1 स्वर्ण बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। फरवरी 2019 में ईरान के तो दोस्तों ईरान के चाबहार में मकरान कप मुक्केबाजी में किसने स्वर्ण पदक जीता था? दोस्तों याद रखिएगा, नेशनल चैंपियन दीपक सिंह फरवरी 2019 में ईरान के चाबहार में मकरान कप बॉक्सिंग में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाले अकेले भारतीय मुक्केबाज थे। तो यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर टू दीपक सिंह हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। कोई पीछे ना रहे, लिविंग नो वन बिहाइंड थीम के साथ 22 मार्च 2019 को विश्व दिवस हाशिए पर रहने वाले समूह पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों कौन सा विश्व दिवस मनाया जाता है, कॉन्सेप्ट क्या है, लिविंग नो वन बिहाइंड। बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें दोस्तों प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर थ्री हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों यह पानी के महत्व और इसे संरक्षित करने के तरीके पर ध्यान केंद्रित करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के मध्याह्न भोजन लागू की? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दिए गए विकल्पों में से किसने मिड डे मील स्कीम को लॉन्च किया था? बिल्कुल ठीक, 1995 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया मध्याह्न भोजन योजना एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश कौन था? बिल्कुल ठीक, दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने मामलुक राजवंश या गुलाम वंश की स्थापना की जो भारत के दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक शासन करने वाले 5 असंबंधित व राजवंशों में से पहला था। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया गुलाम राजवंश ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों क्या आप जानते कि लोक अदालतें जो है वो किसके अधीन बनाई गई है? बिल्कुल ठीक, अगर हम बात करें तो कानूनी सुलह अधिनियम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अधीन बनाई गई हैं लोक अदालतें। तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? बिल्कुल ठीक दोस्तों, याद रखिएगा कि NH44 नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और दोस्तों यह जो है श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी में समाप्त होता है और यह राजमार्ग जो है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर गुजरता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता का नाम बताएं जिन्होंने उस ऐतिहासिक क्षण को वास्तविकता बनाया जब मार्स ऑर्बिटर किसी प्रथम प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय अंतरिक्षयान बना था। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शन में से हमारा राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो के राधाकृष्णन जब इसरो के अध्यक्ष थे तब भारत का मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM जिसे हम मॉम के नाम से भी जानते हैं सितंबर 2014 में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों यहां से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर टू के राधाकृष्णन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न।
निम्नलिखित में से मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर 4 जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही विकल्प। अगला प्रश्न, सोलो उपन्यास के लिए किस लेखक को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था? बिल्कुल ठीक, 2 अप्रैल अगर हम बात करें तो अप्रैल 2019 में लेखक राणा दास गुप्ता को उनके 2010 में लिखे गए उपन्यास सोलो के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया था। तो राणा दास गुप्ता ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी बताया हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, नंदन ब्लॉक प्रिंट नामक रंग बिरंगी वह कला जिसमें फैब्रिक पर रूपांकनों के सुशोभित एवं संरेखित विन्यासों का उपयोग किया जाता है, किस राज्य के तारापुर गांव में देखी जाती है? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो नंदना मध्य प्रदेश के नीमच जिले के तारापुर गांव के शिल्पकारों द्वारा प्रचलित हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग एक यूनिक तकनीक है जो कि बहुत ही कम प्रचलित शिल्प है। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द जी दोस्तों क्वाटर्नरी सेक्टर। बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो चतुर्थ क्षेत्रक अर्थव्यवस्था का ज्ञान आधारित क्षेत्र है जिसमें आमतौर पर सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया, अनुसंधान और विकास जैसे ज्ञान उन्मुख आर्थिक क्षेत्र शामिल होंगे। तो दोस्तों यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें खाली सूचना प्रौद्योगिकी शामिल किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संपूर्ण भारत के भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 अनुच्छेद 19 जो है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शन में से कौन सी मेटल जो है वो सबसे मुलायम होगी? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 सोना जो है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संतुलित रूप से प्रबंधित वन किस प्रकार अनेक योगदान दे सकते हैं? इस विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए 21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का प्रमुख थीम क्या था? बिल्कुल ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें तो वन और शिक्षा फॉरेस्ट एंड एजुकेशन ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने भी बताया हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शन में से हमारा इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल ठीक, दिए गए विकल्पों में से दोस्तों अगर हम बात करें तो कैल्शियम सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु होगी। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन खोने और धनात्मक आयन बनाने की सबसे अधिक प्रवृत्ति होती है। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर 2 कैल्शियम बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम और सोडियम की तुलना में कैल्शियम कम प्रतिक्रियाशील होगा। वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त किया था? बिल्कुल ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया था। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए अपने चैनल BSET की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।